नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। खबरों की शुरुआत करने से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। RTI में PM केयर फंड का हुआ खुलासा, PMO ने जानकारी देने से किया इनकार। COVID-19 के दौर में गुजरात और महाराष्ट्र पर निसर्ग का कहर, गोवा दमन दीव सहित तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी। सरकार ने लॉन्च किया चैंपियंस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म, MSME के समस्याओं का होगा समाधान। और अब आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। हाल ही में COVID-19 महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष या प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड्स यानी PM केयर फंड्स की स्थापना की थी। घोषणा के कुछ दिनों के बाद से ही सोशल मीडिया पर PM केयर फंड्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी संदर्भ में एक याचिकाकर्ता ने अपने RTI आवेदन में PM केयर फंड्स की ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण और संचालन को लेकर सभी संबंधित सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियां मांगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने PM केयर फंड्स से संबंधित RTI में मांगी गई जानकारी को देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि RTI अधिनियम के तहत यह सार्वजनिक प्राधिकरण या पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। इससे जुड़ी जानकारियां संबंधित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं। आपको बता दें कि ट्रस्ट डीड में ट्रस्ट के गठन का उद्देश्य, फंड को कहां से लिया जा सकता है और ट्रस्ट की शक्तियां, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। RTI आवेदक का कहना है कि जब पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष है तो फिर PM केयर फंड्स का गठन क्यों किया गया। इसके अलावा PM केयर फंड्स एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। यह प्रावधान भी इसे सार्वजनिक प्राधिकरण बनाता है। सबसे बड़ी बात कि इस फंड के संबंध में जारी आवश्यक दिशा निर्देशों में यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है जो यह बताता हो कि PM केयर फंड्स सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। गौरतलब है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 का 8वां खंड कहता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण ऐसी संस्था है जो संविधान या इसके तहत बनाई गई किसी विधि के द्वारा निर्मित हो या राज्य विधान मंडल द्वारा इसके अधीन बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा निर्मित हो या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या आदेश के जरिए बनाई गई हो या पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से सरकारी सहायता प्राप्त हो। इसके अलावा वर्ष 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद के लिए जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की थी। PM राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट देने के लिए अधिसूचित किया जाता है। चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब एक और चक्रवाती तूफान भारत की ओर लगातार बढ़ रहा है। दरअसल चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात के तटों की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान तकरीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवाहित होकर तटीय इलाकों में भारी तबाही ला सकता है। मौसम विभाग की माने तो ये सदी का पहला चक्रवाती तूफान है जो महाराष्ट्र के तट से टकराएगा। इसके पहले 1948 और 1980 ऐसे चक्रवाती तूफान उठे थे, लेकिन समुद्र में ही कमज़ोर पड़ने के चलते तट से नहीं टकरा पाए थे। निसर्ग को गंभीरता से लेते हुए महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों से अब तक तकरीबन 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF की टीमों को शहर के विभिन्न इलाकों में तैनात कर दिया गया है। मुंबई फायर ब्रिगेड को भी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया। खबर लिखे जाने तक निसर्ग का असर दिखना शुरू हो गया था। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग अभी मुंबई से तकरीबन 210 किलोमीटर है, वहीं अलीबाग से चक्रवात की दूरी तकरीबन 165 किलोमीटर है, लेकिन इन इलाकों में असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इस तूफान से गुजरात की अपेक्षा
महाराष्ट्र के इलाके ज़्यादा प्रभावित होंगे। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में इसका ज़्यादा असर दिखेगा। इस दौरान समुद्र में सामान्य ज्वार की अपेक्षा 1 से 2 मीटर अधिक ऊंचाई का ज्वार आएगा। इसके मद्देनज़र गुजरात, महाराष्ट्र समेत गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। निसर्ग बंगाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब ब्रह्मांड या प्रकृति होता है। समुद्री तूफानों के नामकरण की जारी नवीन सूची में निसर्ग पहला नाम है। दरअसल इसके पूर्व जारी 64 नामों की सूची अम्फान के साथ ही समाप्त हो गई। आपको बताते चलें कि 2004 में चक्रवाती तूफानों के नामकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवातों का नामकरण किया जाता है। बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे हिंद महासागर के 8 तटीय देश आने वाले चक्रवाती तूफानों के 8-8 नाम तय करते हैं। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसका पूरा नाम क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित और शिकायतों को हल करना और उनकी मदद करना है। यह सभी MSME क्षेत्र की संस्थाओं के वन स्टॉप शॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य MSME की समस्याओं का समाधान करना है, जिसमें मुख्य रूप से कच्चा माल, वित्त, श्रम नियामक अनुमति आदि शामिल हैं। साथ ही यह पोर्टल MSME क्षेत्र को नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद करेगा, जिसमें सहायक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क, PPE आदि का निर्माण और उत्पादन शामिल है। यह पोर्टल भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियंस की भी पहचान करने में मदद करेगा। सरकार के मुताबिक यह एक टेक्नोलॉजी पर आधारित कंट्रोल रूम और सूचना प्रबंधन की व्यवस्था है। यह टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लैस होगा। इसके साथ ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि MSME भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये देश के सकल घरेलू उत्पाद में तकरीबन 29% का योगदान करता है और साथ ही यह सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया भी है। लगभग 12 करोड़ लोगों की जीविका इसी सेक्टर पर निर्भर करती है। सरकार के $5 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था को साकार करने के लिए इस सेक्टर की भागीदारी को 29% से बढ़ाकर 50% तक करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि सरकार का फोकस इस सेक्टर की तरफ बढ़ा है। इसी क्रम में इस सेक्टर में पहुंच को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए चैंपियंस एक माध्यम हो सकता है। और अब अंत में आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से है। अमेरिका के निजी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX का अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में पहुंच गया है। इस तरह से SpaceX अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। प्रक्षेपण के 19 घंटे बाद अंतरिक्ष यात्री ISS पर सफलतापूर्वक उतर गए, जहां पर पहले से मौजूद अमेरिका और रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका स्वागत किया। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बाहरी अंतरिक्ष में मानव निर्मित उपग्रह है, जिसे अनुसंधान और शोध के लिए बनाया गया है। इसे पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में स्थापित किया गया है। ISS विश्व की कई स्पेस एजेंसियों का संयुक्त उपक्रम है, जिसको बनाने में अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय देशों की स्पेस एजेंसी काम कर रही है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI ने रजत पदक विजेता अमित पंधाल और विकास कृष्ण को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। अमित पंधाल वर्ष 2019 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज थे, जबकि BFI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए विश्व कांस्य विजेता लोवालिना, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को नामित किया है।
आपको बताते चले कि राजीव गांधी खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991-92 में की गई थी। इस पुरस्कार को युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, जिसके तहत विजेता खिलाड़ी को एक पदक और एक प्रमाण पत्र के साथ 7.5 लाख की नकद धनराशि प्रदान की जाती है। 2 जून को तेलंगाना राज्य ने अपनी स्थापना का 6वां वर्षगांठ मनाया। तेलंगाना का गठन वर्ष 2014 में 2 जून को किया गया था। इसकी राजधानी हैदराबाद है, जबकि इसमें जिलों की कुल संख्या 33 है। 1990 के दशक से ही तेलंगाना के लोगों ने स्वयं को एक अलग राज्य की मांग के साथ विभिन्न संगठनों के साथ संगठित करना शुरू कर दिया था। वर्ष 2008-09 में यह आंदोलन और गति पकड़ लिया और 4 वर्ष के संगठित विरोध के बाद भारत सरकार ने जुलाई 2013 में राज्य गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके तहत फरवरी 2014 में संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित करके इस प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसके बाद 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से तेलंगाना का गठन हो पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।